कंसोलिडेट डाटा इन मल्टीपल वर्कशीट। आज की इस वीडियो में हम कंसोलिडेट डाटा को जो है वो स्टडी करेंगे एक्सेल के अंदर। तो बेसिकली कंसोलिडेशन जो है किस पर्पस के लिए यूज होती है, टू समराइज एंड रिपोर्ट द रिजल्ट फ्रॉम सेपरेट वर्कशीट। यू कैन कंसोलिडेट डाटा फ्रॉम ईच सेपरेट वर्कशीट इनटू अ मास्टर वर्कशीट। इट्स मीन कि आप समरी और रिपोर्ट जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपके पास डिफरेंट सेपरेट वर्कशीट्स हैं, उनमें से डाटा जो है वो एक मास्टर वर्कशीट के अंदर जो है वो आप फेच करके ला सकते हैं और रिपोर्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। द वर्कशीट कैन बी इन द सेम वर्कबुक एज ए मास्टर वर्कशीट और इन अदर वर्कबुक्स। जो मास्टर वर्कशीट आप प्रिपेयर करेंगे वो सेम उसी वर्कबुक के अंदर भी हो सकता है जहाँ से आप मल्टीपल शीट में से डाटा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, और या फिर अलग-अलग सेपरेट से भी आप वर्कबुक क्रिएट कर सकते हैं जिसमें आप मल्टीपल वर्कबुक में से मल्टीपल वर्कबुक की मल्टीपल शीट में से डाटा जो है वो फेच करके ला सकते हैं। सो व्हेन यू कंसोलिडेट द डाटा यू आर असेंबलिंग अ डाटा सो दैट यू कैन मोर ईजिली अपडेट एंड एग्रीगेट इट ऑन रेगुलर और एडहॉक बेसिस। सो इट्स मीन कि आप डाटा असेंबल कर रहे हैं डिफरेंट मल्टीपल शीट में से रेगुलरली या एडहॉक बेसिस के ऊपर, ताकि आपकी अपडेशन और जो है वो होती रहे उस वर्कशीट के अंदर जहाँ पे आपने डाटा कंसोलिडेट किया है। तो कंसोलिडेट करने के लिए हमारे पास तीन तरीके हैं, और तीनों की हम वन बाय वन एग्जांपल्स भी देखेंगे। कंसोलिडेट बाय पोजीशन, अरेंज द डाटा इन वर्कशीट इन आइडेंटिकल ऑर्डर एंड लोकेशंस। पहली जो हमारे पास जो है टाइप जिस तरीके हम जो है डाटा कंसोलिडेट कर सकते हैं, तो दैट इज़ बाय पोजीशन। इसके लिए ऑर्डर और लोकेशन ऑफ डाटा सेम होना चाहिए, वो हम देखेंगे अभी एग्जांपल में कि कैसे है। और कंसोलिडेट बाय कैटेगरी, व्हेन वर्कशीट हैव द सेम रॉ एंड कॉलम लेबल बट डाटा इज अरेंज डिफरेंटली। रॉ और कॉलम्स के लेबल्स या हेडिंग्स तो सेम है, लेकिन डाटा जो है उसके अंदर वो डिफरेंटली अरेंज है। इसकी एग्जांपल को भी हम देखेंगे। और कंसोलिडेट बाय फार्मूला, व्हेन देयर इज नो कंसिस्टेंट लेआउट कॉलम लेबल्स और कैटेगरीज। तो इट्स मीन कि जब आपके पास लेआउट ही डिफरेंट है कॉलम्स और कैटेगरीज का सेम नहीं है तमाम वर्कशीट के अंदर, फिर आप फार्मूला यूज़ करेंगे। तो पहली दो पोजीशंस के लिए जो है हमारे पास जो है वो डाटा और रॉ और कॉलम जो है वो सेम होना चाहिए, और रॉ की या कॉलम्स की जो लेबल्स या हेडिंग्स हैं वो सेम होनी चाहिए, और इसमें जो है हमारे पास डाटा इनकन्सिस्टेंट है। तो शॉर्टकट की जो है वो कंसोलिडेशन के लिए जो यूज़ होती है, आर के साथ आप ए प्रेस करेंगे तो डाटा का टैब ओपन होगा, और देन आप एन की प्रेस करेंगे तो हमारे पास जो है कंसोलिडेशन की शॉर्टकट की अवेलेबल। कंसोलिडेट डाटा बाय लोकेशन जो है, इसकी एग्जांपल को हम देखने लगे हैं। तो बेसिकली कंसोलिडेट बाय लोकेशन डाटा मीन के सोर्स ऑफ टेबल्स जो हैं वो इज़ आइडेंटिकल और सेम, यानी कि जहां से डाटा आपने कंसोलिडेट करना है वो सेम होंगे। तो आप कंसोलिडेट जो है वो बेसिकली उसी वर्कबुक के अंदर, एक नई वर्कशीट के अंदर आप डाटा कंसोलिडेट कर सकते हैं मल्टीपल शीट में से, या एक नई वर्कबुक ओपन करके उसमें भी आप मुख्तलिफ वर्कबुक में से शीटों को कंसोलिडेट करके डाटा जो है कंसोलिडेट कर सकते हैं। तो अब मेरे पास इसी वर्कबुक के अंदर चार वर्कशीट्स हैं, और एक शीट जो है उसको मैं डाटा जो है कंसोलिडेट करूँगा। तो पहली शीट जो है क्वार्टर वन के नाम से मैंने क्रिएट की है, इसमें मेरे पास कॉलम लेबल्स जो हैं नेम प्रोडक्ट क्वांटिटी एंड बिल है, और इसी तरह रॉ जो हैं आइटम्स जो हमने स्पेसिफाई किए हैं वो भी तकरीबन तमाम शीट्स के अंदर सेम है, बट क्वांटिटी और बिल की अमाउंट डिफरेंट होगी। ये क्वार्टर वन की शीट है, इसी तरह क्वार्टर टू क्वार्टर थ्री एंड क्वार्टर फोर की शीट्स जो हैं मेरे पास, जिनके अंदर कॉलम्स के लेबल्स जो हैं सेम हैं, और इसी तरह आइटम्स भी जो हैं वो सेम है, बट बिल और क्वांटिटी की अमाउंट जो है वो चेंज हो रही है। लेट्स जो है हम अब इम्प्लीमेंट करते हैं कंसोलिडेट डाटा को। तो सेल जो है वो मैंने सेलेक्ट कर लिया A1, और यहाँ पे डाटा के टैब के अंदर कंसोलिडेट डाटा की कमांड है। इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमने उस जो है सिलेक्शन करनी है जहाँ से हमने डाटा कंसोलिडेट करना है। तो ये वो डाटा है जिसको मैं कंसोलिडेट करना चाहता हूँ। मैंने सेल एड्रेसेस की रेंज स्पेसिफाई कर दी और ऐड बटन पे क्लिक किया। जैसे ही मैं क्वार्टर टू की शीट सेलेक्ट करूँगा ऑटोमेटिकली उसकी रेंज सेलेक्ट हो गई है। ऐड बटन पे क्लिक करूँगा
इसी तरह क्वार्टर टी थ्री जो है इसके टैब को सिलेक्ट किया और सिलेक्शन हो गई है, ऐड बटन पे क्लिक कर दिया। इसी तरह क्वार्टर फोर पे जब मैं क्लिक करूँगा तो उसकी सिलेक्शन हो गई ऑटोमेटिकली। तो डाटा जो है वो सिमिलर है तमाम शीट्स के अंदर, और इनके रेंजेस जो हैं वो मैंने ऐड कर ली हैं। तो ये तीनों शीट्स की रेंजेस जो हैं वो ऐड हो गई हैं। क्रिएट टॉप को लेफ्ट और क्रिएट लिंक हम ऑप्शन को क्लिक कर देते हैं और ओके कर देते हैं। तो जैसे ही मैंने अप्लाई किया तो मेरे पास जो है ये कंसोलिडेट जो है वो अप्लाई होगी। अगर हम देखें तो हर शीट के ऊपर जो है हमारे पास जो है डाटा जो मौजूद था उसको हमने कंसोलिडेट कर लिया। तो ये देखिएगा कि फर्स्ट जो था हमारे पास जो क्वांटिटी थी और बिल का कॉलम था, इसी तरह रैम्स जो थी जो आइटम्स हमने जिसको कंसोलिडेट किया तो उसकी टोटल क्वांटिटी 14 हो गई और बिल जो है 14,000 हो गया। तो ये चारों शीट्स की क्वांटिटी को उसने उठाया और उसको सम अप किया और यहाँ पे हमने उसको ऐड कर दिया। तो बेसिकली जब आप कंसोलिडेट करते हैं तो आप बताते हैं कि आप कौन सा फार्मूला अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे मैंने कंसोलिडेट पे किया तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल सम फार्मूला जो था वो सिलेक्ट हुआ था, तो इसने तमाम क्वांटिटीज़ को सम किया है। और इसी तरह अगर आप नीचे मज़ीद हैं काउंट करना चाहते हैं या एवरेज करना चाहते हैं, अगर मैंने एवरेज सेलेक्ट की होती तो क्वांटिटी की एवरेज आ जानी थी रैम की, और इसी तरह उसकी बिल्स का एवरेज कैलकुलेट हो जाना था। तो ये जो भी फार्मूला या जो फंक्शंस आप इंप्लीमेंट करना चाहते हैं वो ड्रॉप डाउन में से सिलेक्ट करेंगे। तो इन दैट केस हमारे पास सम फार्मूला था वो सिलेक्ट हुआ हुआ था। इसी तरह मज़ीद जो आइटम्स थे सीडी रोम प्रिंटर, तो उन तमाम के जो हैं वो टोटल्स वो कैलकुलेट कर रहा है और उसको डिस्प्ले कर रहा है। तो ये बेसिकली यहाँ पे आपके पास एक्सपेंड आप कर सकते हैं और इसको जो है आप एक एक वैल्यूज़ या आइटम्स जो हमने कंसोलिडेट किया है तो प्लस सिंबल्स को जैसे क्लिक करेंगे तो ये एक्सपेंड हो जाएगा और उसकी डिटेल जो है वो शो होना शुरू हो जाएगी। तो बेसिकली ये हमारे पास कंसोलिडेशन की जो थी कमांड थी, और ये हमने कंसोलिडेट बाय लोकेशन को इंप्लीमेंट किया था, जिसमें कंडीशन ये है कि तमाम सोर्स डाटा जो कि आपने जिस पे कंसोलिडेट अप्लाई करनी है वो सेम होना चाहिए, उनके कॉलम्स की लेबल जो है वो सेम होने चाहिए और उनके जो स्ट्रिंग्स वैल्यूज़ हैं जैसे कि यहाँ पे आइटम्स दी हुई हैं डिफरेंट वो सेम होने चाहिए, उनके स्पेल सेम होने चाहिए। तो उनकी कंसोलिडेशन को हम कहेंगे कंसोलिडेट बाय लोकेशन।